जी तो व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। तो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ अपना प्रोजेक्ट। ये देखिए मैंने कितना बड़ा प्रोजेक्ट बना लिया है। ये परसों मैंने शुरू किया था और आज मैं कंप्लीट करने जा रही हूँ आपके साथ साथ। तो सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे व्लॉग्स को लाइक किया, सब्सक्राइब किया और शेयर भी किया, और कमेंट करने वालों का बेइंतहा शुक्रिया। व्यूअर्स, ये एक बहुत ही खूबसूरत चीज मैंने बनाई है जो यकीनन आपको पसंद आएगी। ये मैंने स्टार्ट में से शुरू किया था। ये देखिए सेंटर में से शुरू करते हैं और इसके बाद तीन तीन डबल क्रोशे करते हुए और दो दो चेन करते हुए, इसके तीन डबल क्रोशे दो चेन, तीन डबल क्रोशे दो चेन, तीन डबल क्रोशे दो चेन, फिर तीन डबल क्रोशे और दो चेन करते हुए इसका मैंने स्टार्ट लिया था। उसके बाद फिर मैंने ये जो थे कॉर्नर उसी तरह उसी सीक्वेंस के साथ चलता रहा कि एक होल में से डबल क्रोशे, डबल डबल क्रोशे और दो चेन और फिर डबल डबल क्रोशे और डबल क्रोशे, डबल क्रोशे, डबल क्रोशे, डबल क्रोशे, डबल क्रोशे, डबल क्रोशे एंड देन कॉर्नर पे आ गए, कॉर्नर के डबल डबल क्रोशे और फिर उसके बाद टू चेन्स और डबल डबल क्रोशे। तो व्यूवर्स, ये मैंने पहले मैंने इसकी सिक्स लाइंस कंप्लीट की, 1 2 3 4 5 6 7, यानी अगर बीच में से इसको निकाल दें, ये इसकी जो टिकिया है, तो उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 बनती है। फिर उसके बाद 3 मैंने व्हाइट की 1 2 3, उसके बाद फिर मैंने 1 2 3 4 5 और ये 6 लाइंस जो है ब्लू की। अब जो है 2 लाइंस में व्हाइट की करके व्हाइट का किनारा बना रही हूँ। तो दिस इज ऑलमोस्ट एंडिंग। जी तो व्यूअर्स, ये मुझे यहाँ पर एक गिरा लगानी पड़ गई है क्योंकि मेरे पास वो थ्रेड खत्म हो रहा था, वूल खत्म हो रहा था, तो इसको हम इसी के अंदर ही मर्ज कर देंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं करने क्या जा रही हूँ। मैं हर होल में से इसको गुजारूंगी और सिंगल क्रोशे करूंगी, ये देखिए सिंगल क्रोशे किया। अब उसके बाद 1 2 3 और ये डबल चेन यानी डबल क्रोशे कर लेंगे हम, ठीक है जी। फिर हम 1 सिंगल क्रोशे, 2 ये होल में से गुजार रहे हैं, 2 और ये 3 और यहीं से हम 3 चेन्स करेंगे और यहां पर सेम होल में से इसको गुजारेंगे और इसका कॉर्नर बना लेंगे, ठीक है जी। तो ये इस तरीके से इसका ये बनता चला जाएगा। जी तो व्यूअर्स, मैं चाहती हूँ कि ये मैं आपके साथ ही कंप्लीट करूं और इसको कंप्लीट करने के लिए मुझे आपसे और आपको मुझसे जुड़े रहना होगा। 1 2 3 पहले हम जो थे यहां से ले रहे थे अंदर से, अब हम किनारा बनाने के लिए ऊपर ऊपर से ले रहे हैं और हर थर्ड के बाद 3 चेन्स करते हुए उसको सेम होल में से गुजारते हैं और ये हमारा खूबसूरत सा किनारा नोक सी बन जाती है, ये देखिए। फिर हम इसे इसी तरह करेंगे, 1 2 और ये 3। यहां जो इम्पोर्टेंट बात करने वाली है वो ये है कि ये देखिए ये जो मैंने जोड़ लगाया था, इस जोड़ को मैंने इंतहाई नफासत के साथ इसके अंदर ही छुपा दिया है इसको। 1 2 यानी ये थर्ड है इसका, ऑलरेडी थर्ड है। 3 चेन्स करेंगे और इसको इसके कोना बना देंगे,
ठीक है जी, ये आ गया इसका कोना। अब नेक्स्ट जो है इसको फिर हम इसी के अंदर रखते हुए, ये देखिए क्योंकि इसको हमें छुपाना है हर सूरत, तो ऐसे कर लेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि जोड़ कहाँ गया। जी व्यूअर्स, ये देखिए ये हमने दो साइड का किनारा बना लिया है और ये देखिए ये इस तरीके से ये एक बुक का वो हमने बनाया है। अच्छा, अब ये मोतियां इसके अंदर हैं, लेकिन ये मोती हम यहाँ नहीं बुरोएंगे, मोती हमें यहाँ लगाने हैं जो एक बटन का काम करेंगे। और इस जगह पर फिर हमें किनारा बनाना है और इसको ऐसे बंद कर देना है। इसकी तस्वीर मैं आपको बाद में लगा दूंगी, जब मैं अपना व्लॉग जो है अपलोड करूंगी तो मैं आपको दिखा दूंगी। मैं आपको बुक भी दिखाई देती हूँ, ये देखिए कितनी खूबसूरत बुक है। और इस बुक के लिए, इसको बनाने के लिए मैं खुद भी बहुत एक्साइटेड थे कि मैं पता नहीं कैसे बना पाऊंगी। अब जब ये बन जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली ये इस तरह से ये कवर हो जाएगा, तो ये एक खूबसूरत जिसदान सा, जिसको हम कहते हैं, बन गया। इसका पीछे का हिस्सा ऐसे है, ये देखिए, और ये देखिए, है ना खूबसूरत। मुझे बताइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऑर्डर भी दीजिएगा।